सबसे प्यारा कौन है? एम्बर और वेड का बच्चा है, वो मुस्कुराया। मेरी मदद करो, फायरबॉल को पकड़ो। नहीं, उप्स, हमारा बेबी, उसे चोट लग सकती थी। अपने रूम में जाओ जल्दी, हम ऐसा फिर नहीं करेंगे। भागो, आप बस हम पर चिल्लाते रहते हैं। वो क्या था? लाइटनिंग, तूफान आ रहा है। कोई आइडिया है? मेरे पास है, सनशाइन हमारे बेबी को खुश कर देगा। वाह, सुंदर है ना? ये काम कर गया। Rock-a-bye baby, वही लोरी है। On the tree top, when the wind blows, the cradle will rock. चलो देखते हैं। Rock-a-bye baby, धीरे से। When the wind blows, the cradle will rock. उन्होंने देख लिया। लगता है वो दुखी है। हमें बच्चों पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। छोड़ो, हम नए पेरेंट्स ढूंढ लेंगे। चुप हो जाओ, वो आ रहे हैं। हम तुम पर चिल्लाना नहीं चाहते थे। हाँ हाँ पता है, माफ करना प्लीज। आप तो नाराज नहीं हो? ठीक है, हमने आपको माफ कर दिया। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। एक मिनट का भी चैन नहीं है। अब बेबी को सुनाने की तुम्हारी बारी है। समझ गया, जा रहा हूँ। हमारा क्या? ये इतना क्यों रो रहा है? बच्चा बहुत बेचैन है। वेट, कुछ करो। रुको, हाँ तुम जीनियस हो। ये काम कर गया, तुम्हारे सपनों में। तो उसे क्या चाहिए? माइक को भूख लगी है, ये रही उसकी पसंदीदा चीज। रुको, हमें पानी को गर्म करना होगा। ये लो, देखते हैं उसे कैसा लगता है। आखिरकार चुप है। अब हमारा भी रेस्ट करने का वक्त है। माइक के जन्म के बाद कपल बिल्कुल भी नहीं सोया है, और वो भी पूरे 2 हफ्तों से। फेवरेट पजामास, गर्म और आरामदायक है। गुड नाइट मेरी जान, स्वीट ड्रीम्स लिटिल स्पार्कल। वो हमें पूरी तरह से भूल गए हैं। शायद हमें घर को छोड़ देना चाहिए। मैं तैयार हूँ, हम एक ट्री हाउस बनाएंगे, खेलेंगे और मौज मस्ती करेंगे। खैर बिल्कुल नहीं, हम मॉम और डैड के बिना एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। अगर हम भाग गए तो हमें नए पेरेंट्स मिल जाने चाहिए। मैं सिर्फ जरूरत की चीजें ही लूंगा। मैं तैयार हूँ, अब चलो एडवेंचर पर चलते हैं। रुको, हम कुछ भूल रहे हैं। सही कहा, ये हमें जल्दी अडॉप्ट होने में मदद करेगा। बस अच्छे से लिखना, फिनिशिंग टच, बहुत बढ़िया। हाँ, और ये क्यों जरूरी है? तुम इससे इसे बांधोगी, है ना? सही कहा, हो गया, चलो चलते हैं। मुझे इनकी बहुत याद आएगी, मुझे भी। इसे देखो, हाँ पहले वो हमें बहुत प्यार करते थे, और अब वो हमें जाते हुए भी नहीं देख पाएंगे। वो हमारे बिना ही खुश है। चलो जल्दी से चले। कौन? क्या? ब्रायन, लिली, कुछ तो गड़बड़ है। हेलो मिस्टर, हमारे डैडी बनना चाहोगे? क्या कहा? मैंने सुना नहीं। क्या आप हमारे डैडी बनेंगे? मेरे पास और भी जरूरी काम है। मॉमी, एक सेकंड रुको, यहाँ पर बच्चे कुछ कह रहे हैं। तुम्हें क्या चाहिए? आप हमारी नई मॉम है। बिल्कुल नहीं। मॉमी, आप कहाँ जा रही है? हाय, हेलो, जाओ मत। ठीक है, कोई भी हमें अडॉप्ट नहीं करना चाहता है। चलो चले, हम कहीं और कोशिश करेंगे। वो यहाँ नहीं है, मेरे बच्चे, वो चले गए। उप्स, वो जाग ही जाता। आराम से, शायद वो कहीं छिपे हुए हैं। चलो देखें, पकड़ लिया। मुझे पता है तुम बेड के नीचे हो। कोई नहीं है, और यहाँ भी नहीं है। पकड़ लिया, कोई नहीं है। वो कहाँ जा सकते हैं? हाँ, वो छिपने में माहिर है ना? चलो बॉक्सेस को चेक करते हैं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। बस एक रूम बचा है मेरी जान, चलो ढूंढते हैं। और यहाँ भी कोई नहीं है। वेट, क्या? देखो, और यहाँ पर पहला क्लू है। लीड को ट्रैक करते हैं, ये यहाँ पर खत्म होते हैं। इसका क्या मतलब है? वो भाग गए। समझ गया, वो ऐसे नहीं जा सकते हैं। 911 पर कॉल करता हूँ। हेलो, कोई फोन उठाओ। क्या ये मॉम की न्यूज है? हमारे बच्चे, वो गायब हैं। क्या तुम तैयार हो? एम्बर और वेड के बच्चे गायब हैं। पकड़ो उन्हें।
हो गया, आज का काम खत्म हुआ, क्या मैं रो सकता हूँ? हे बंद करो, चलो जैसा तुम कहो, हम मूवी के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी करो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हम लेट हो गए तुम्हारी वजह से, देखकर चलो, गिर रहा हूँ। क्लॉड तुम बहुत लापरवाह हो। ओवी हेड तुम एक चलती फिरती मुसीबत हो। हमें ऐसे सच में फैमिली मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल। ठीक है, यहाँ कोई है? यहाँ से बाहर निकलो, चलो चले, मुझे मॉमी चाहिए। चिंता मत करो, उम्मीद है वो हमें देखकर खुश हो जाएंगे। बाहर आओ, उन्हें सुनाई नहीं दिया, जोर से नॉक करो, कोई आ रहा है। नहीं, गलत अंदाजा, बहुत बुरी किस्मत है, शायद हमें यही रहना होगा। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए एक पिजन पकड़ूंगी, पर अभी चलो थोड़ी देर सो जाते हैं। हमने बार्बी को मिस कर दिया, रायन गॉसलिंग वहाँ पर था, बस करो। ये क्या था? माफ करना, जो मैं सोच रही हूँ तुम भी वही सोच रहे हो। मिस्टर, क्या आप हमारे डैड बनेंगे? इन्हें पेरेंट्स चाहिए। प्लीज, हमारे पास पहले से ही एक हैमस्टर है। रुको, जरा इन प्यारे नन्हे बच्चों को देखो। मॉमी, आई लव यू। ठीक है, इन्हें अंदर ले जाओ। और हे, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, अब से ये तुम्हारा घर है। कितना अच्छा दिन है, ये कौन हो सकता है? अभी नहीं, मैं बिजी हूँ। उसने फोन काट दिया, अजीब है, मैं बहुत परेशान हूँ, चलो खुद ही ढूंढते हैं, ये अच्छा आइडिया है। चलो चले, हम उन्हें जल्दी ही ढूंढ लेंगे। माइक, तुम रुक रहे हो? शायद तुम्हें रुकना चाहिए, मुझे नहीं लगता है। समझ गया, जो हारेगा वो बेबी के साथ रहेगा। ठीक है, तो फिर मैं रहूँगा, अपना ख्याल रखना, उम्मीद है सब अच्छा होगा। तुम क्या कर रहे हो माइक? डैडी को मिस किया, नन्हे शैतान। सही कहा, रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें घर कैसा लगा? वाह, बहुत सारी ग्रीनरी है, मेरी टमी। ये क्या था? क्या मुझे थोड़ा सा फ्रेश वाटर मिल सकता है? ठीक है, मैं अभी लेकर आई। क्या हम एलिमेंट्स की बैटल खेले? मैं तैयार हूँ। ये एलिमेंट्स की बैटल क्या है? ओ नहीं, ध्यान से, मेरे फ्लावर्स, ये लो। हाँ, और तेज, रुको प्लीज, फनी पिक्चर्स। बदकिस्मती से मैं ब्लाइंड हूँ। हेलो, आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्या आपने इन बच्चों को देखा है? मुझे काफी वक्त से कुछ दिखाई नहीं देता है, बहुत सारे लोग हैं। क्या आपने इन बच्चों को देखा है? नहीं, पहले कभी नहीं देखा है, माफ़ करना। नहीं, आपको परेशान करने के लिए माफ़ करना। चलो पोकेमोन को पकड़े। इन्हें आसमान खा गया या धरती निकल गई? ये क्या है? डिटेक्टिव एम्बर को एविडेंस मिला, चारकोल, ये सिर्फ फायर एलिमेंट्स का ही हो सकता है। लिली, मुझे लगता है मैं सही रास्ते पर हूँ, ये रहे पैरों के निशान। बच्चों, मॉमी आ रही हैं। अब सोने का वक्त है, आराम से, तुम्हें जगाना नहीं चाहता हूँ, ऐसे मैं भी सो जाता हूँ। अब क्या हुआ? नन्हे शैतान, मैं तुम्हें कैसे चुप कराऊं, और क्या करूं? जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। लगता है ये काम कर गया। नहीं नहीं नहीं, तुम उड़ने के लिए अभी बहुत छोटे हो, क्रिब में वापस आ जाओ प्लीज। लाइटिंग कोई टॉय नहीं है, पकड़ लिया। डैडी के पास आ जाओ, पकड़ लिया, तुम्हें सजा मिलेगी। यहाँ आओ, रोको इसे प्लीज, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, रास्ते से हट जाओ, ध्यान से, बचाओ, मैं जल रहा हूँ, मेरी लीव्स। डैडी, तुम जल रहे हो, ये लो वाटर। शुक्रिया मेरे बेटे, आग बुझ गई है और स्नैक्स आ गए हैं। क्या? चिल्लाना मत, ये मजेदार है। ओप्स, माफ करना मॉम, हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। मुझे बच्चों से प्यार है, हम इन्हें बाहर नहीं निकाल रहे हैं, है ना? क्या वो अभी बच्चे हैं? और अब खा लो, शर्माओ मत। वाटर, ये तुम्हारे लिए है, रिफ्रेशिंग वाटर, जिसकी मेरी ग्रीनरी को जरूरत है। स्वादिष्ट, कैसा? कंट्रोल करो, तुम डाइट पर हो, क्या तुम्हारे पास वाटर के अलावा कुछ है? अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, मैं हमेशा प्यासा रहता हूँ। बढ़िया एबिलिटी है, क्या तुम मुझे भी थोड़ा भर दोगे? मुझे नहीं पता था ये ऐसा भी कर सकता है। ठीक है, मैं इसे पीऊंगी, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। स्वादिष्ट है ना? हाँ, दिलचस्प लिक्विड है, बहुत बढ़िया है। इसमें ऐसा भी क्या है? चलो भी, तुम कर सकती हो। गंदा है, ये फटने वाली है। ओप्स, माफ करना, वाटर पी नहीं सकती हो, बहुत हो गया, यहाँ से निकलो जल्दी। मॉम गुस्सा हो गई,
और इस तरह क्यों चिल्ला रही हैं? इन्हें माफ कर दो मेरे लिए। यहाँ से दफा हो जाओ, भागो। बच्चों, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, अपना सामान लेना मत भूलना। लगता है इस तरफ, पर यहाँ तो तीन दरवाजे हैं। दोस्तों बताओ मुझे कहाँ जाना चाहिए, कमेंट में जवाब बताएं। चारकोल, बच्चे यही थे। आइस चिप्स, ब्रायन अभी भी रो रहा है, पर यहाँ वो चले गए। लगता है उन्होंने नई फैमिली ढूंढ ली है। गुड बाय, ख्याल रखना मॉमी। ओह मेरे स्वीटीज, बच्चों को ढूंढने के लिए शुक्रिया, तुम्हारा वेलकम। ये लेडी कौन है? अच्छा ये तुम्हारे लिए नहीं है, वो बहुत सुंदर है। तुमने क्या कहा, फिर से कहना। क्लॉड कहाँ खो गए? बच्चों गुड बाय बोलो, चलो चले, डैड इंतजार कर रहे हैं। मीरा क्या, कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे धक्का क्यों दे रही हो? तुम मुझे रोक नहीं सकती हो, समझी? वो कहाँ गया? अपनी स्वीट हार्ट के लिए भागो। ओह उसे ब्राइड मिल गई। वाह इम्प्रेसिव ट्रिक्स। डियर मैं आ रहा हूँ। डैडी के पास आओ, ये क्या मुसीबत है, शायद इतना काफी है, अभी और मजेदार नहीं है। तुम आ गए, हाय डैडी, खुशी है तुम वापस आ गए। पकड़ लिया, पूरी फैमिली साथ में है। वेट जल्दी से हमारे पास आओ। ग्रुप हग, मेरे प्यारे बच्चे, हमें माफ कर दो प्लीज। तुम क्या कह रहे हो, हमने माफ कर दिया। शुक्रिया, इसमें कुछ तो कमी है, हम ठीक कर देंगे। खैर ये हुई ना बात, हाई फाइव। वो बहुत प्यारे हैं। लगता है हम थक गए हैं, हम भी, फिर चलो सो जाते हैं, चलो चलें। रुको माइक को भी नींद आ रही है। मेरा बच्चा आराम से सो जाओ। हनी मैं आ रही हूँ। गुड नाइट बच्चों, चलो लेट जाएं और जल्दी से सो जाते हैं। बस एक मिनट, पजामास नहीं भूल सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बच्चे वापस आ गए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। स्वीट ड्रीम्स स्वीट हार्ट, अब इस वेट से छुटकारा पाते हैं आराम से। सुना है स्पॉन्ज और वॉटरी चीजें एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। देखो ये अब्सॉर्ब कर रहा है, थोड़ा और यहाँ रब करें, और यहाँ। तुम्हें पकड़ लिया लड़के। ओह एम्बर कितने अच्छे से सो रही है। वो कहाँ गया, उसे ढूंढना होगा। वेट, डैड बेड गायब है। वो यही थे, ऐसा लगता है वो गायब हो गए। बेड के नीचे देखते हैं, कोई नहीं है, ढूंढ लिया। ओ नहीं ये तो मेरी परछाई है। डैडी बाहर आ जाए, छुपना बंद करिए, यहाँ कोई नहीं है। वो कहाँ चले गए? पकड़ लिया दोस्त, बेचारा बेड, वो फंस गया। अपने चेहरे को देखो, मजेदार है। अगर वो अकेला हुआ तो भूखा और ठंडा। मॉमी रोए मत, शांत, डैड कुछ लेने बाहर गए हैं। ठीक है शांत हो जाओ। एम्बर हिम्मत से काम लो, रोने से कुछ नहीं होगा। 911 पर कॉल करने का वक्त आ गया है, चलो भी फोन उठाओ। हेलो बिजी, खैर ठीक है मैं अपने बेड को खुद ही ढूंढ लूंगी। मॉम हमारा क्या होगा, क्या तुम ग्रैंडमा के पास जाना चाहोगे? बिल्कुल ठीक है तो फिर चलो चलते हैं। ये प्यारे सॉक्स बस बनने ही वाले हैं, मेरे ग्रैंड किड्स को ये पसंद आएंगे। उम्मीद है ग्रानी सो नहीं रही होंगी। नॉक नॉक, दाएं बाएं, क्या किसी ने नॉक किया? मैं जाकर देखती हूँ। ओह बुढ़ापा बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, मेरी कमर। जब आप 99 से ऊपर हो जाओ तो हर दिन मुश्किल से बीता है। ओह मैं आ रही हूँ। आखिरकार वो उठ गई, पता नहीं वो अपने ग्रैंड किड्स को पहचान पाएंगी भी या नहीं। ओह एक असली सफर। आधा घंटा हो गया है, चलो इंतजार करते हैं। एक पर्सन का एक छोटा कदम एक बूढ़ी औरत के लिए बड़ी छलांग के बराबर होता है। कहीं मत जाना मैं आ रही हूँ, मैं थक गई हूँ, चलो नीचे बैठ जाते हैं। ग्रैंडमा ठीक तो है ना? हाँ जान, बस हमारे परिवार में कुछ टर्टल्स हैं। तुम इंतजार करो मैं एक झपकी ले लेती हूँ। यहाँ कोई है? घोस्ट फिर से? ग्रैंडपा अगर ये आप हैं तो मुझे कोई इशारा दीजिए। उठ जाओ मेरे बच्चों, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम नीचे क्यों सो रहे हो? फ्लोर ठंडा है। ब्रायन बच्चे उठ जाओ। आ क्या हुआ? आ कौन है? क्या ब्रायन तुम जल रहे हो? आ
मुझे लगा मैं गई काम से। नहीं, इतनी जल्दी नहीं, डर गए। इन सब बातों को छोड़ो और अब ग्रैंडमा को हेलो कहो। मैंने तुम्हें काफी वक्त से नहीं देखा। ब्रायन, तुम क्यों खड़े हो? मेरे गले लगो। गले लगने को छोड़िए। सही कहा, फायर और वाटर को मिलना नहीं चाहिए। मॉम, आपको ये जानना चाहिए, वेट गायब है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। आप बच्चों का ध्यान रखना। बिल्कुल, मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का अच्छे से ध्यान रखूंगी। किड्स, जल्दी से अंदर चलो। शुक्रिया मॉम। उसे ढूंढो। गुड बाय। मैं कहाँ से शुरू करूँ? क्या मैं थोड़ी स्वीट्स ले सकता हूँ? मुझे भी चाहिए, बहुत सारे। ग्रैंडमा ने तुम दोनों के लिए एक सरप्राइजेस तैयार किए हैं। ओह वाओ, ये भारी है, जल्दी करो इन्हें खोलो। वाओ, बहुत बहुत शुक्रिया, ये कितने बड़े हो गए हैं। एम्बर, तुम ये कर सकती हो। नॉक नॉक, कोई घर पर है? गुड डे, क्या तुमने वाटर एलिमेंट को कहीं देखा है? मुझे देखने दो। सुनो, चेहरा जाना पहचाना लगता है, शायद मैंने इसे रास्ते में देखा था। ओह नहीं, वो मेरा सपना था। गुड बाय। ये वक्त रोने का नहीं है, फायर एलिमेंट हार नहीं मानेगी। नॉक नॉक, क्या मुझे आपका थोड़ा सा वक्त मिल सकता है? अंदर कोई है? तुम्हें यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा, डैडी वेडी। बस कुछ ड्रॉप्स और तुम्हारा खेल खत्म। ये कौन हो सकता है? कहीं मत जाना, मैं अभी वापस आता हूँ। लकी है, बेचारा वेड ड्रेन में बस धुलने ही वाला था। बिन बुलाया मेहमान, इस वक्त कौन आता है? शांति, ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, ये तो मेरी एम्बर खुद है। शांत हो जाओ, ऐसे एक्ट करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। हेलो, क्या तुमने इसे कहीं देखा है? नहीं नहीं, एक बार फिर से देखो। बिल्कुल, मुझे याद आया, शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अंदर आओ। कितना अजीब है। ठीक है, मैं अंदर आ जाती हूँ, मैं काटता नहीं हूँ। इसे अपना ही घर समझो, बैठो। कैंडल लाइट डिनर, कितना प्यारा है। शायद तुम किसी का इंतजार कर रहे हो, मुझे चलना चाहिए। नहीं, प्लीज रुक जाओ। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाती हूँ। खाना शुरू करो, ये सब तुम्हारे लिए है। मुझे भूख नहीं लगी है। तो तुमने आखिरी बार उसे कब देखा था? मुझे सोचने दो। गुड नाइट जान, स्वीट ड्रीम्स मेरी जान। कल हमें एक नए एडवेंचर पर जाना है, चलो सफर पर चले। तुम क्या कहते हो वेड? तुम कहाँ हो? तुम कहाँ चले गए वेड? मैं तभी से उसे ढूंढ रही हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। बदकिस्मती से वेट की आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो डेट पर चलते हैं। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मुझे महसूस हो रहा है वेट यहीं कहीं है। थोड़ी चाय लोगी कुकीज के साथ? आउच, ये तुम्हारे लिए। सुनो, तुम बहुत अजीब हरकतें कर रहे हो, ये लो। मर्सी, इसे फ्रेंच आती है। कहाँ खो गए? क्या तुम ठीक हो? हाँ, सब ठीक है। तुमसे बात करके अच्छा लगा, पर अब मुझे जाना होगा। रुको, अब क्या है? इन कैंडल्स को जलाने में मेरी मदद करो। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। मेरी आइडल, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? अह, ये कितना अजीब एलिमेंट है। अब यहाँ से निकलना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। ये क्या है? वाओ, मुझे ड्रैगन्स बहुत पसंद है। वाटर एलिमेंट बहुत अच्छे होते हैं। हाँ बिल्कुल, इसके लिए ग्रैंडमा को शुक्रिया बोल कर आते हैं। तुम्हारी पसंदीदा चीज, हमें गिफ्ट्स पसंद आए मेरे प्यारे बच्चे। मुझे भी गले लगना है। इसके बदले मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ओह कितना अच्छा बच्चा है। आप जरूर थक गई होंगी, ध्यान से यहाँ बैठ जाइए। मेरे पैरों में जान नहीं है। शुक्रिया। खाना शुरू करते हैं। फ्रेश वाटर, ये लो। ग्रैंडमा, आप बहुत अच्छी हो, शुरू करो। मजे से खाओ। लगता है वेड हवा में खो गया है, शायद क्रोम टीवी के पास कोई खबर हो। एक वेदर फोरकास्ट? नहीं, ये रही न्यूज। क्लाउड को इंटरनेशनल वांटेड डिक्लेयर कर दिया गया है। ये क्रिमिनल एलिमेंट्स को किडनैप करके कपल्स को अलग कर देता है। ये चेहरा जाना पहचाना लगता है। मैं आ गया।
मेरे पास मत आना, डरो मत, वहीं रुक जाओ वरना मैं चिल्लाऊंगी। ओह क्या सच में, शांत हो जाओ, रुक जाओ। वैसे मुझे हिप्नोटाइज करना भी आता है। एम्बर वेट को भूल जाओ। ये काम कर रहा है, मेरे पास आओ। ओ खैर, हमारे डैड गुस्सा हो गए हैं, पर वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? वो कहाँ जा रहा है? तुम अच्छा डांस करती हो, क्यों ना एक किस हो जाए? बिल्कुल मेरी जान, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट है, मेरे पास और भी है, बस मुझे बोल देना और मैं ले आऊंगी। और वह आ गया। हेलो बच्चों, डैडी आप वापस आ गए, हमें आपकी याद आ रही थी। मेरे बच्चों, ठीक है हम जा रहे हैं, ग्रैंडमा को अकेले मत छोड़ो। ठीक है हमारे साथ चलिए, उठने में मेरी मदद करो। क्या सब तैयार है? हाँ तैयार हो जाओ, मैं कोशिश कर रही हूँ, शायद मैं फटने वाली हूँ। ये काम कर गया। डैड ये आदमी कौन है? एक छोटी सी किस, वहाँ मत देखो, ईयू गंदे, मैं ये नहीं देख सकता। एम्बर उठ जाओ, ये वॉकिंग शब तुम्हारा पार्टनर नहीं है। क्लाउड येलो, बस थोड़ा और, आउच, ओह मैं जल रहा हूँ, मेरी मदद करो, अब तुम नहीं बचोगे। क्लाउड येलो, आउच, वेड मेरी फायर, वाओ यहाँ तो मेरा पूरा परिवार है, ज्यादा खुश मत हो। क्या तुम भाग रहे हो? इसे सबक सिखाओ। तुम जल रहे हो, मुझे मदद करने दो, ठंडा है, इसे रोको, बस करो। ये क्या है? हैंडकफ्स, दोस्त अब तुम जेल जाओगे। अब हम इसके साथ क्या करें? मुझे नहीं पता, इसे मुझे दे दो। ये इसका क्या करेंगी? ये आपका हुआ, चलो चले, मैं तुम्हें थोड़ी तमीज सिखाती हूँ। हम उसे दोबारा देखना नहीं चाहते हैं। गुड बाय, मुझे नींद आ रही है। मुझे भी, बेचारे थक गए हैं, सो जाओ। हाँ बिल्कुल, बिस्तर की तरफ भागो। स्वीट ड्रीम्स, ये बहुत प्यारे हैं। उम्मीद है आज रात हमें भी थोड़ा आराम मिलेगा। देखो मेरे पसंदीदा पजामास, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए। गुड नाइट। क्या हमारे बच्चे? जल्दी चलो बेड। हम तो गए, हमने ये क्या कर दिया? वो कैसी आवाज थी? ये क्या हो रहा है? हमसे गलती से हुआ है, वो कैसी आवाज थी? तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। ब्रायन अब तुम्हारा वाटर के साथ खेलना बंद, जल्दी से इन ग्लव्स को पहनो और तुम्हारे हाथों से पानी की एक बूंद तक नहीं आनी चाहिए, समझ गए? तुम स्पार्क, अब तुम भी अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती, तुमने लगभग हमारा घर जला ही दिया था, हम कहाँ रहेंगे? हाँ कोने में जाकर खड़ी हो जाओ। ठीक है मॉम, तुम भी कोने में खड़ी हो जाओ और ऐसा दोबारा मत करना। अब ठीक है, बच्चों को सजा मिल गई है, जब तक पेरेंट्स वापस नहीं आते इन्हें ऐसे ही रहना होगा। हनी प्लीज, कितनी प्यारी हो, फ्यू वो गए। देखो हे बड़ी, क्या यहाँ सिर्फ हम दो हैं, चलो यहाँ से चले मेरे साथ। तो फिर पैकिंग शुरू करो, उन्हें हमें ढूंढने दो, उन्हें चिंता करने दो। इतनी स्ट्रिक्ट सजा भी इन बदमाशों को नहीं रोक पाई। बच्चों ने अपना बैग पैक किया, अपने सारे टॉयज इकट्ठे किए, ऐसा लगता है ये बहुत लंबे सफर पर जा रहे हैं। मेरा सूटकेस पैक हो गया है, मेरा भी, चलो चले एक नए एडवेंचर पर। घर से भागने का ये कितना दिलचस्प तरीका है, वो क्लाउड्स बनकर चले गए। एम्बर उठ गई, हाँ क्या सुबह हो गई। वेट बेब, उठ जाओ, ये ऐसे नहीं उठेगा, मैं एक ग्लास ठंडे पानी से कोशिश करूंगी। तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? वाटर का इस पर बिल्कुल असर ही नहीं हुआ, लेकिन एम्बर को एक सीक्रेट तरीका पता है। चलो उठ जाओ डार्लिंग। एम्बर गुड मॉर्निंग मेरी स्पार्क, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही सो लिया है। नया दिन नया स्टाइल। वेट ये येलो शर्ट तुम्हारे बालों के साथ बहुत जच रहा है, क्या बात है, ये बेकार है,
खैर मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है, शाइनी कपड़े। तुम कमाल की दिख रही हो स्वीटी। बच्चों का क्या, चलो अपने बदमाश बच्चों के पास चलें। ये उनके उठने का समय है, उम्मीद है अब उन्होंने कोई गड़बड़ ना करी हो। हमारे बच्चे कहाँ हैं? क्या ये कोई नया प्रैंक है? क्या वो हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं? वेट, अब मुझे उनकी चिंता हो रही है। क्या उनके ग्लव्स फ्लोर पर पड़े हैं? फ्यू, वो अभी तक सो रहे हैं। इन बदमाशों को जगाने का समय है, मैं सारा दिन नहीं सो सकती। चलो इन्हें जगाएं। 1, 2, 3। बच्चे मजाक कर रहे होंगे, उन्होंने अपनी जगह इन पिलोज को रखा था। ब्रायन, तुम कहाँ हो? वो गायब है। वो ऐसे गायब नहीं हो सकते, वो यहाँ कहीं नहीं है, उन्हें किसी ने चुरा लिया है। वो ऐसे भाग नहीं सकते, हमें अच्छे से ढूंढना होगा हर जगह। हमें उन्हें हर जगह ढूंढना होगा। खिड़की खुली हुई है, क्या वो यहाँ से गए हैं? वो कहाँ होंगे? मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मेरे बच्चे, 1 मिनट, हमें कुछ करना होगा। मेरा फायर फोन कहाँ है? मैं जर्नलिस्ट को कॉल करूँगी। 1 सेकंड, हमारे बच्चे गायब हैं। समझ गया, ध्यान दे, एक जरूरी मैसेज है। वाटर और फायर एलिमेंट्स के बच्चे गायब हैं। प्लीज मदद करें। वो पता नहीं कैसे होंगे। घबराना बंद करो, हमें खबर फैलानी होगी। हाँ, हम कुछ भी करके उन्हें घर लेकर आएंगे। बिल्कुल समय नहीं है, हर एक मिनट जरूरी है। हम उन्हें ढूंढ कर ही रहेंगे। बच्चे सारे शहर में घूम रहे हैं, वो छुपने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं। ये तो इन्वेस्टिगेटर क्लाउड का ऑफिस है, वो एक नैप ले रही है। उसके सर पर भी हमारे जैसा क्लाउड है। चलो चले। हन, कौन है? मेरा वहम था। कितनी आरामदायक जगह है, बच्चे यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। वाह, पेरेंट्स लिली और ब्रायन को ढूंढ रहे हैं। एम्बर, कहाँ चले? चलो इसे ट्राई करें, काश इन्हें कुछ पता हो। गुड डे, क्या आपने इन्हें? मैंने किसी को नहीं देखा है, ये गलत बात है। ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं। बेल बजाओ। स्पार्क, हम इन बच्चों को ढूंढ रहे हैं, क्या आपने इन्हें देखा है? पैसे मांगना बंद करो बेगर्स। नहीं, चलो और ढूंढे। स्पार्क, देखो ये डिटेक्टिव का ऑफिस है, ये अच्छा मौका है। डिटेक्टिव गेल अभी भी सो रही हैं, बहुत देर हो चुकी है। रिंग बजाओ। डियर, हम बहुत लकी हैं, ऑफिसर हमारे बच्चों को जरूर ढूंढ लेगी। लेकिन क्लाउड डिटेक्टिव तो अभी तक सो रही हैं, कितना अच्छा सपना है। काम के समय इन्होंने दरवाजा बंद क्यों कर रखा है? बस बहुत हुआ, ये खुला हुआ है। पहले तुम चलो, तुम कितने ताकतवर हो। हेलो, फिर से कोशिश करो। हेलो, क्या तुम सो रहे हो? कोई जवाब नहीं दिया। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। उठने का समय हो गया है स्टॉर्म क्लाउड। कौन है? क्या? चलो अपने नए घर को सजाएं। आउच, आउच, वो क्या था? हमारी मदद करो, हमारे बच्चे गायब हैं। क्या बच्चे गायब हैं? क्या तुमने सुना? वो मॉम और डैड की आवाज है। ऐसा नहीं हो सकता, वो हमें ढूंढ रहे हैं। हमें कुछ करना होगा। इस कप को पकड़ो, हम इसकी मदद से सुनेंगे। अब हमें सब सुनाई दे रहा है, हमारी आखिरी उम्मीद आप ही हैं, ऑफिसर। छोटे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रही हूँ, मुझे क्राइम सीन पर ले चलो। वो हमें जल्दी ही ढूंढ लेंगे, हमारे पास बहुत कम समय है। आखिरी बार हमने उन्हें यहीं देखा था। ऑफिसर, प्लीज कुछ करो। समझ गई, इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे अपने डिटेक्टिव ट्रैवल किट की जरूरत है। 1 मिनट, टाइट पकड़े रहो। सबूतों के लिए हमें फिंगरप्रिंट्स को इकट्ठा करना होगा। वो हमें जल्दी ही ढूंढ लेंगे। आखिरी रात इस रूम में जो कुछ हुआ उससे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो इस रूम से ढूंढना शुरू करते हैं। मुझे कुछ निशान दिखाई दे रहे हैं। डिटेक्टिव गेल अपने काम में माहिर लगती है, वो बहुत सालों से ये काम कर रही है। अंदर मत आओ, हमें केस पर काम करने दो। ठीक है ऑफिसर, डिटेक्टिव गेल ने कमरे को सील कर दिया, तुम्हारा अंदर आना मना है। हम यही इंतजार करेंगे शांति से। गेल कमरे की तलाशी ले रही है और उसका हर कदम उसको इस केस के और पास ले जा रहा है। पहला सबूत, ग्लव्स। यहाँ बहुत सारे सबूत हैं, मुझे हर चीज की फोटो लेनी होगी। हर फोटो के पीछे कहानी है। हाँ, जरूर खिड़की भी किसी काम के लिए खोली गई होगी।
वहाँ बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स होंगे। चलो देखते हैं। मैंने कुछ ऐसे ही सोचा था, तुम स्टॉर्म क्लाउड को बेवकूफ नहीं बना सकते, उनके पंजों के निशान। अब क्लाउड ऑफिसर सच में फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा करने जा रही है। उसके लिए इन्हें पाउडर, एक ब्रश और टेप की जरूरत है। ध्यान से देखो बच्चों, अगली बार डिटेक्टिव खेलने में ये तुम्हारे काम आएगा। पुलिस एकेडमी में मैं सबसे अच्छी थी। अगर मेरे पास कोई केस है तो मैं उसे सॉल्व करके ही रहूंगी। मैं कुछ भूल रही हूँ, फोटोज को भी बचाना होगा। कुछ ऐसे ही कॉप्स भी मूवीज में करते हैं। सब कुछ सेफ रखना होगा। और अब आखिरी चीज, सर्विलेंस। चोर चोरी वाली जगह दोबारा आना पसंद करते हैं। तो चलो देखें बच्चों को किसने चुराया है। इसे थोड़ा छिपा देते हैं। ये बिल्कुल एक लाइट बल्ब जैसा दिख रहा है। बढ़िया, चलो देखें, ये काम तो कर रहा है। पिकाबू, अब हम इस रूम को देख पाएंगे। मुझसे कोई नहीं बच सकता। वो आ रही है। तो आप आ गई? बिल्कुल। कमरे में मत जाना। शुक्रिया ऑफिसर, एक और कैमरा ठीक रहेगा। मैं तुम्हारे घर को अपने ऑफिस से देखती रहूंगी। समझ गए ऑफिसर, तुम अपनी जगह पर जाओ। चलो सो जाएं, ब्रो। वो बाल बाल बच गए। हमारे साथ बने रहे, हम इस केस के बहुत करीब हैं। हम उसका इंतजार करेंगे। स्टॉर्म डिटेक्टिव, काश हमारे बच्चे जल्दी मिल जाएं। क्लाउड बच्चों के कमरे को ध्यान से देख रही है। उसकी नजरों से कोई नहीं बच सकता। ये केस बहुत थकावट भरा है। ये क्लाउड के सोने का समय है। ये वो सो गई। मुझे बहुत भूख लगी है। चलो अपना काम शुरू करें। पार्टनर, हमें स्नैक चाहिए। पेरेंट्स के साथ जाना होगा। बढ़िया, पेरेंट्स सो रहे हैं। चलो देखें इन्होंने नाइट स्टैंड में क्या छिपा रखा है। अरे, आइस क्यूब्स का पूरा पैक, तुम्हारे फेवरेट। और मैं लकी हूँ, मुझे मॉम का क्रिस्पी चारकोल मिल गया है। शुक्रिया मॉम, हमारे शैतान बिना किसी को दिखे अपने स्नैक ले गए। कितना भयानक सपना था। ओह, ये खाली है। हमारे स्नैक्स कहाँ गए? बज़, मैं सो कैसे गई? थंडर और लाइटनिंग, वो हमारे बहुत पास थे लेकिन वो बच गए। बदमाश बच्चे, खैर अब नहीं बचेंगे। नॉम नॉम, स्वादिष्ट स्मोकी फ्लेवर। हमारा आइडिया बहुत अच्छा था। नॉम नॉम, मुझे एम्बर और वेड को बताना होगा। ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। अगर कोई मेरे लिए आता है तो मैं एक नोट छोड़ देती हूँ। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। इसे देखकर तुम जरूर हैरान हो जाओगे। क्या? अपने आप को संभालो बच्चे। स्नैक्स, फ्यू, इसका मतलब वो ठीक है। चलो उनके लिए एक जाल बिछाएं। एक जाल? मैं उनका यहाँ इंतजार करूँगी और उनके आते ही पकड़ लूँगी। ठीक है बॉस, अच्छा प्लान है बॉस। ऑफिसर स्ट्रॉम का प्लान कभी फेल नहीं होता। यहाँ ठंड है, अच्छा है कि ब्लैंकेट यही है और एक सॉफ्ट पिलो भी। मुझे अपनी आंखें खुली रखनी होगी। क्या मुझे नॉक करना चाहिए? शायद नहीं। ओह, ये इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? और मैं नहीं कर सकता। एक मिनट, मुझे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गेल मेरे ऊपर हंसेगी। मेरे ऊपर एक सुंदर बुके उगाया है, ये ठीक रहेगा। ठीक है, बहुत हुई घबराहट। तुम कर सकते हो क्लॉड। ओह, ये ऑफिस तो खाली है। मेरी प्यारी क्लाउड यहाँ नहीं है, शायद वो कहीं और हो। मैं उसका यहाँ इंतजार करूंगा। उसका ऑफिस कितना प्यारा है। ये कैसा नोट है? वो एम्बर और वेट के घर गई है। समझ गया, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। वीडियो गेम खेलने के बारे में क्या ख्याल है? मैं समझ गया तुम क्या सोच रही हो। बच्चों, तुम चलाक हो। ये कितनी गहरी नींद में है। ऑफिसर, हमें तुम्हारा लैपटॉप चाहिए। ये आसान था, अब हम खेल सकते हैं। गेल अभी भी गहरी नींद में है। उठना होगा। कंप्यूटर कहाँ गया? उसके बिना इन्वेस्टिगेशन मुश्किल है। क्या, तुम्हारा कंप्यूटर कहाँ गया? कौन सा कंप्यूटर? तो
नहीं जीतोगे। अब बचो ब्रायन, उन्हें बेवकूफ बनाना आसान है। मैं कितनी बुरी इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैंने सबको निराश किया है। क्या तुमने वो आवाज़ सुनी? शायद बच्चे हो। ग्रीन ग्रीटिंग्स, बताओ क्या ऑफिसर क्लाउड यहाँ है? हाँ आ जाओ, अंदर बुलाने के लिए शुक्रिया। हमारे बच्चों का क्या? मेरा करियर खत्म होने वाला है। ये तुम्हारे लिए। अच्छू, खैर हमारी मस्ती खत्म हुई। क्या तुम मेरे क्लाउड में थे? बच्चे आखिरकार तुम वापस आ गए। नहीं हमारे पास मत आओ, हम अभी भी गुस्सा हैं। लड़ाई नहीं, माफी मांग लो। माफ कर दो प्लीज, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, आखिरकार सब ठीक हो गया। खैर हमारा मिशन पूरा हुआ, हम चलते हैं। शुक्रिया, तुम्हारा दिन अच्छा जाए। ओह, पेरेंट्स ने माफी मांगने का सिर्फ दिखावा किया था। अब बताओ तुम कहाँ थे? हम तुम्हें खाना खिलाते हैं, हम कपड़े देते हैं, हम तुम्हारा ख्याल रखते हैं। बहुत हुआ, मैं जा रही हूँ फिर से। आग अपने आप लगी थी, क्या कोई घर पर है? ग्रैंडमा, हेलो, क्या आप यहाँ हैं? हेलो ग्रैंडडॉटर। ग्रैंडमा तुम्हें ही याद कर रही थी, रो मत बेबी। वाह बढ़िया, आग जल रही है, बारबेक्यू का समय है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये लो खाओ। यम यम, हमें उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। मेरा फायर फोन कहाँ है? ओ, ये रहा। हेलो, हमारी बच्ची घर से भाग गई है, मैं जाता हूँ, आ रहा हूँ। गुड आफ्टरनून, सर्जन एंड्रयू आपकी सेवा में हाजिर है। क्या आपने फोन किया? हाँ ऑफिसर, हमारी बेटी, उसे ढूंढने में मदद करो। रास्ते से हटो, मुझे काम करने दो। बच्चे के कोई सबूत नहीं मिले, वो पक्का इस कमरे में नहीं आई। देखते हैं। आउच, मैं किससे टकरा गया? असल में तुम्हें इस तरफ जाना चाहिए। हाँ जरूर, कोई सबूत मिला? नहीं मुझे कुछ नहीं मिला। यहाँ से जाओ। हाँ पैरों के निशान, ये मुझे यहाँ लाए। कॉल्स, यहाँ कुछ जल रहा था। या कोई, ये रहा पहला सबूत। चलो इसे मेरे सील्ड बैग में डालते हैं। पैरों के निशान जारी है। फिर से कॉल, दिलचस्प है। ये क्राइम सीन है, मैं याद रखने के लिए कुछ फोटोज ले लेता हूँ। हो गया, बहुत अच्छी फोटोज खींची हैं। मैंने अपने कलीग्स को दिखाऊंगा। और फुटप्रिंट्स, हो सकता है बच्ची छिपी हो। तुम कहाँ हो? ओह, कौन है? बाहर आओ, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। मॉमी, तुम ठीक हो? केस सॉल्व हो गया, ये रहा तुम्हारा बच्चा। इससे कुछ नहीं होगा, तुमने हमारे बेटे को डरा दिया। बेबी शांत हो जाओ, बहुत बढ़िया काम तुमने, बहुत मेहनत की। गुड बाय, जाओ मैं तुम्हें ढक देती हूँ। अपनी आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो मेरी जान। शायद हमें एक साइकिक को बुलाना चाहिए। हेलो, हमारी बच्ची गायब है। ओह, अगर इससे कोई मदद मिल जाए। आ रहा हूँ, अंदर आ जाओ, अपने ही घर समझो। मैं देख रही हूँ तुम्हारी बच्ची गायब है। बहुत बढ़िया, इसे कैसे पता? क्या तुम उसे ढूंढ सकती हो? अगर सैंडविच का बटर वाला हिस्सा नीचे गिरा तो इसका मतलब तुम्हारी बच्ची जरूर कहीं आसपास है। बहुत बढ़िया, क्या ये असली जादू है? चुप रहो एक सेकेंड, देखो पेंडुलम दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा है। मुझे अकेला छोड़ दो। ये रहा, स्पिरिट्स का शुक्रिया करो। क्या ये हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है? तुम्हें जाना चाहिए। क्या मुझे पैसे मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। गुड बाय बेचारी लिली, चलो इसे हम खुद ही ढूंढते हैं। मेरा क्या होगा? आप मेरे बारे में भूल गए। ब्रायन बेटा, वादा करो कि तुम शैतानी नहीं करोगे। मॉम और डैड को काम करना है, हम जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, बाय मॉम, बाय डैड। याहू, मैं दिन भर अपने बेड पर उछल कूद करूंगा और फिर बिल्कुल मैं डैडी की स्टैश से सारी कैंडीज खाऊंगा। हाय, हमारी बेटी गायब है, क्या तुमने उसे देखा? नहीं हमारे पास समय नहीं है, सब बहुत बिजी है। चलो दोबारा कोशिश करते हैं। गुड आफ्टरनून, फिर से एडवर्टाइजमेंट। मुझे कबाड़ नहीं चाहिए,
लेकिन ये सांप नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये हमें बाहर नहीं निकालेंगे। कोई घर पर है, हम अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं। वो भाग गई है, काफी देर से खटखटा रहे हैं। ओह, लगता है यहाँ कोई नहीं है। चलो चले, सिर्फ 40 अपार्टमेंट बचे हैं।